सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मुइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल के एपिसोड 61 के बारे में। इसके पहले वाले एपिसोड अभी तक आपने अगर नहीं देखे जो कि आई बटन पे आपको एज इट इज मिल जाएंगे, जाके उस चीज का मजा उठाओ। बहुत सारे और भी ढेरों कंटेंट है अपने चैनल पे जिसका आप मजा उठा सकते हो, और साथ ही साथ एक लाइक भी ठोक दो क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे आए दिन वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल एपिसोड 61। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा था जहाँ पर टाव आ चुका है इनको मारने के लिए, जहाँ पर यह आदमी बीच में आ जाता है और कहता है कि मुझसे लड़ना पड़ेगा गोकू को मारने से पहले, जहाँ पर यह आदमी लड़ता है लेकिन टाव उसे बहुत ही इजीली डिफीट कर देता है। जहाँ पर जैसे ही यह आदमी नीचे गिरता है और मर जाता है तभी गोकू बहुत ही जोर से चिल्ला उठता है, जिस वजह से गोकू उससे फाइट करता है। जहाँ पर कामेहामेहा वो मूव यूज करता है लेकिन ये मूव से सिर्फ टाव के कपड़े जलते हैं, टाव को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर टाव अपना एनर्जी ब्लास्ट कर देता है एक फिंगर की मदद से, जिस वजह से यहाँ पर गोकू नीचे गिर पड़ता है। फिर कुछ टाइम बाद एक आदमी आता है जिस वजह से गोकू वहाँ पर उठ खड़ा होता है। तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश है गोकू को जिंदा देखकर, जहाँ पर गोकू को पता चल जाता है कि इसी ड्रैगन बॉल ने गोकू की जान बचाई है जो कि उसके ग्रैंडपा ने दिया हुआ होता है। जहाँ पर अभी गोकू क्या कर रहा है, गोकू कर रहा है अभी सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठा, जिस वजह से उसको चाहिए स्ट्रेंथ इस ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने के लिए, यानी टाव को हराने के लिए। तो वो चढ़ जाता है उस टावर के ऊपर जो कि चढ़ते हुए जा रहा है, और ये लड़की कहती है कि जाओ गोकू जाओ, तुम डेफिनेटली ऊपर तक पहुंच जाओगे। जहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देख रहे हैं कि गोकू ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है जिस टावर का नाम है कोरियन टावर। अब यहाँ पर आखिरकार गोकू पहुंच चुका है टावर के ऊपर, जहाँ वो नीचे गिरने वाला होता है लेकिन खुद को संभाल के कैसे तो करके ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ पर चढ़ने के बाद वो इधर उधर देखता है तो उसे सामने तीन मटके नजर आते हैं, जिसमें से वो बीच का मटका खोलता है जिसमें पानी होता है। जिसको वो देख रहा है तो उसे वहाँ पर देखने को मिलती है बुलमा। जैसे ही उसे बुलमा देखने को मिलती है तो वो आवाज देता है कि बुलमा। जहाँ पर हम बुलमा को देख रहे हैं जो कि खाना पका रही है और उसके बाजू में क्रिलिन रतन धो रहा होता है। जहाँ पर बुलमा को आवाज भी आती है जो कि क्रिलिन को चिल्ला भी देती है। क्रिलिन कहता है कि मैंने क्या किया, तो ये देख गोकू हंसता है और वो फिर से आवाज देता है। जहाँ पर बुलमा उधर देखती है क्रिलिन को कि वाकई में क्रिलिन ने आवाज दिया, इतने में ही उंगली जल जाती है बुलमा की, जो देख गोकू हंस पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि मटके का पानी सूख चुका है और वो गायब हो चुकी है। फिर गोकू दूसरे मटके को खोलता है जिसके अंदर सिंपली हमें फिर से पानी देखने को मिलता है, जिस पानी के अंदर हम चीची को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें यही शॉट देखने को मिलता है जब चीची को मिलने आया था सेकंड टाइम गोकू, जो कि अचानक से मिल चुका था एक पानी के झरने के पास चीची को, जिस दिन एक्चुअल में शादी होने वाली होती है गोकू और चीची की, जो कि सेकंड सीजन का एपिसोड है जो आपको आई बटन पे यहाँ पर फ्लैश भी हो रहा रहेगा। गोकू को अंदाजा आ जाता है कि ये तो एक्चुअल में हो चुका इवेंट है जो मुझे देखने को मिला है। तो अभी थर्ड वाले मटके को खोलता है और उसके अंदर देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक बड़ा सा कीड़ा नजर आता है जो कि उड़ के आता है और गोकू को पकड़ लेता है। जहाँ पर गोकू क्या ड्रैगन बॉल उड़ चले जा रहा है, हवा में फ्लोट हो रहा है, जहाँ पर वो ग्रीन कलर का बाद में येलो कलर का हो जाता है, जिसके ऊपर से एक एक स्टार गायब हो रहे हैं। फिर उसे सातों के सातों ड्रैगन बॉल देखने को मिलते हैं जो कि चमक उठते हैं, और उनके अंदर यामचा और बुलमा देखने को मिलती है, उलोंग और उरा देखने को मिलते हैं, फिर बाद में लॉन्च क्रिलिन और मास्टर रोशी भी देखने को मिल जाते हैं। फिर से उसे ड्रैगन बॉल दिखता है, फिर उसे दिखते हैं टाव और वो जो मरा हुआ आदमी है वो और उसकी बेटी। फिर उसे एक खरगोश टाइप का आदमी भी देखने को मिलता है, और उसी बात से वो वापस आ जाता है तो वो देख रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ पर सिंपली ये जो तीनों मटके थे ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाते हैं। जहाँ पर गोकू को आवाज आती है कि वत्स ऊपर आओ, जहाँ गोकू सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है। जहाँ पर वो देख रहा है इधर उधर, उसे कोई भी नजर नहीं आता, तो वो आदमी कहता है कि गोकू तुम ठीक से देखो। जहाँ पर गोकू फिर से ठीक से इधर उधर देख रहा है तभी उसे देखने को मिलता है कि एक बिल्ली है जो कि उसके सामने खड़ी है, जिसके हाथ में एक लकड़ी भी है। जहाँ पर ये जो बिल्ला है ये कह देता है कि भाई मैंने तुम्हारा एंजॉय किया, जो कि तुमने क्लाइंबिंग किया, जो कि चढ़ के आया, मुझे बड़ा मजा आया। जहाँ पर गोकू कहता है ये सारी बातें बंद करो और मुझे बताओ वो वाटर कहाँ है। जहाँ पर वो कहता है कि मेरा नाम है गोकू और तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पर वो जो बूढ़ा सा बिल्ला है वो बुला लेता है गोकू को पास। जहाँ पर गोकू उसके पास जाता है और खड़ा हो जाता है। जहाँ पर अपना ये जो बिल्ला है ये नाम बताता है कि मेरा नाम है कोरिन, जो कि इस टावर का रखवाला है।
जहाँ पर गोकू चौंक उठता है कि कोरिन तुम हो, तुम्हारे पास है वो सीक्रेट वाटर। जहाँ पर ये बिल्ला यानी कोरिन कह देता है कि भाई यहाँ पर हर तरफ है सीक्रेट वाटर। जहाँ पर वो ये कह देता है कि इस प्लेनेट के हर एक जगह पर एक एक बूंद रखी हुई है। जहाँ पर गोकू कहता है कि मुझे वो चाहिए। जहाँ पर वो कहता है गोकू कि मुझे पता है अगर मुझे ये वाटर मिल गया तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। जहाँ पर ये बिल्ला यानी कोरिन पूछता है कि इतने ज्यादा स्ट्रेंथ का तुम करोगे क्या। जहाँ गोकू कहता है कि मैं मेरे दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ। जहाँ पर कोरिन कह देता है कि तुम अभी छोटे हो और छोटे बच्चे हो तो तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया है। जहाँ गोकू कह देता है कि मुझे वो चाहिए, किसी भी हालत में मुझे तुम दे दो। जहाँ पर तुमने यही कहा था कि क्लाइम करना है और उसे वो मिल जाएगा, सही है ना? क्या तुम्हें वो वाकई में चाहिए, वो वाटर? जहाँ कहता है गोकू कि हाँ मुझे जरूर वो चाहिए। तो ये क्या तुम्हारे प्योर हार्ट से मेल खाता है? जहाँ पर गोकू कहता है कि हाँ ये मेल खाता है। जहाँ पर ये जो बिल्ला है यानी कोरिन थोड़ा सा शांत हो जाता है। जहाँ पर ये बिल्ला कोरिन कुछ ही टाइम में गोकू का माइंड पढ़ लेता है और उसके हार्ट की भी चीजें समझ लेता है। फिर भी कोरिन कहता है कि तुम्हें ये वाटर नहीं मिलेगा। जहाँ पर कोरिन गोकू को देख के हंस भी रहा है। जहाँ पर हम टाओ के विलेज में देख रहे हैं, जहाँ पर टाओ का बैनर लग चुका है जिसके पीछे पड़े हुए है दो लोग टाओ को पकड़ने के लिए, जिस बैनर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राइज मनी होता है। जो भी इस टाओ को पकड़ेगा उसे वो प्राइज मनी मिल जाएगा। जहाँ पर इन दोनों आदमियों में से एक आदमी टाओ के ऊपर गोली चला देता है। इधर टाओ आगे बढ़ते हुए जा रहा है, उसे पता नहीं है पीछे क्या आ रहा है। फिर भी टाओ अपनी चप्पल ऊपर उड़ा देता है पीछे के साइड में, जिस पर गोली लगती है और वो बैकवर्ड चली जाती है। जिससे होता ये है कि जो आदमी गोली चला रहा था उसके हैट में से वो गोली निकल जाती है, लेकिन जो दूसरा आदमी उसके साथ खड़ा हुआ था उसे वो गोली लग जाती है। इधर अभी हम देख रहे हैं कि टाओ पहुंच चुका है होटल के अंदर, जहां पर सारे लोग घबराए हुए हैं। जिसमें से एक बंदा आता है और टाओ को कहता है कि पानी मैंने उबाल दिया है, सारे कपड़े धो दिए हैं और तुम्हारे को जैसे चाहिए वैसे सब कर दिया है। जो भी ये लोग टाओ से बात कर रहे हैं वो डरते हुए ही टाओ से बात करते हुए दिखते हैं। अब इधर हम देखते हैं टाओ के रूम में, जहाँ पर बाथटब सज चुका है जिसके अंदर उबला हुआ पानी हम देख सकते हैं। यहाँ पर टाओ अपने बाल बनाता है और उस उबले पानी को देखता है हाथ डाल के, जहाँ पर वो चिल्ला भी देता है। ये इतना ज्यादा उबला हुआ पानी है जिसके अंदर टाओ बैठ जाता है। जहाँ पर बैठने के बाद वो उबला हुआ जो अंडा है जो उस पानी के अंदर है वो टाओ खाने लगता है, यानी इतना ज्यादा गर्म है ये पानी कि उसमें अंडा भी उबल जाता है। अब हम इधर देख रहे हैं ये लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान है, जो कि गोकू को सोच रही है क्या गोकू वाकई में पहुंच चुका होगा, क्या वो वापस जल्दी आएगा। जहां वो उस कोरियन टावर को निहारती भी है। इधर गोकू ऊपर खड़ा है इस कोरियन के सामने। इधर अभी गोकू बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है उस कोरियन के ऊपर कि तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मुझे जल्दी जाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। जहां पर ये कोरियन कह देता है कि उस फाउंटेन के ऊपर है वही होगा शायद से वाटर। जहां पर गोकू अभी कुछ आंसर देने वाला होता है तभी ये जो कोरिन है ये बोलता है कि ठीक है अभी तुम्हें दिख गया ना तो मेरे सवाल का जवाब दो। जहां पर गोकू कहता है कि मैंने ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर रहा था, मेरे ग्रैंडपा ने जो दिए थे उसको ढूंढ रहा था, तभी मेरी मुलाकात पोरा से हो गई, जो कि एक्चुअल में उस लड़की का पिता था जो कि मर चुका है, जो कि कहता है कि उसने ही मेरे ग्रैंडपा का ड्रैगन बॉल मुझे वापस दिया। जहां पर मुझे ड्रैगन बॉल देते समय उसको मार दिया गया, तभी ये कोरिन उसकी बात आधी अधूरी काट देता है और कहता है कि ठीक है बस करो बस करो, तुम्हारे शब्द मेरे कानों में छुपते हैं इसलिए तुम शांत बैठो। पर गोकू कहता है कि मैं कैसे के शांत बैठूं, तुमने तुम उससे पूछा है, कुछ देर के लिए तुम शांत नहीं बैठ सकते, शांत बैठो। जहां पर थोड़ी देर के बाद में ही वो जो कोरियन है वो ये कह देता है कि तुम्हें टाओ को डिफीट करना है, जो कि मर्सनरी टाओ है उसे मारना है, ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने हैं और जो ओप्पा है यानी वो छोटी सी बच्ची उसके पिता को जिंदा करना है, सही है ना? यहाँ पर गोकू चौंक उठता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये कुछ बताया नहीं है, तुम्हें ये कैसे पता चला? जहाँ पर कोरियन कहता है कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। यहाँ पर गोकू कहता है कि ये अमेजिंग बात है। तो ये कोरियन कह देता है कि जाओ तुम अभी वाटर पी सकते हो। जहाँ पर गोकू जाता है उस फाउंटेन के पास, जहाँ कोरियन पूछता है कि तुम क्या ठीक हो। जहाँ पर गोकू कहता है कि ठीक है मैं इसको संभाल लूंगा। जैसे ही गोकू ऊपर चढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी इधर से ये जो कोरियन है वो उसे मार गिराता है, जो कि गोकू को हाथ भी नहीं लगाने देता उस वाटर को। जहाँ पर गोकू चिल्लाता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना जाके मैं पी लूं। जहाँ कोरियन कहता है कि हाँ हाँ वो सब तुम्हारे लिए ही है, जाके पी लो। जहाँ पर गोकू कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर से मैं ट्राई करता हूँ पानी पीने का। जहाँ पर गोकू जैसे ही जंप लगाता है तो ये कोरियन एक लात उसे मार देता है। जहाँ पर गोकू अभी कहता है कि तुमने ही तो कहा ना पानी पीना है, क्या तुमने नहीं कहा मुझे मैं पानी पीऊं या नहीं? ठीक है तुम पी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को हराओ और फिर पानी पियो। गोकू कहता है ठीक है मैं तुम्हें हरा देता हूँ फिर पानी पीता हूँ। यहाँ पर गोकू उससे कहता है कि देखो उधर। जैसे वो उधर देखता है तो गोकू इधर कूद पड़ता है उस फाउंटेन के ऊपर।
ऐसे ही वो ऊपर जाता है, वैसे ही ये जो कोरिन है ये अपनी छड़ी से गोकू को मार देता है, जहाँ पर गोकू को लग चुकी है। और कोरिन कहता है कि ये सही रास्ता नहीं है तुम्हें ये पानी पाने का, जहाँ पर तुम मुझे सही रास्ता दिखा दे तो शायद तुम पानी पी सकते थे। जहाँ पर कोरिन अपनी छड़ी के अंदर यानी वो लकड़ी के अंदर उस पूरे जार को उठा लेता है और कहता है गोकू को कि देखो ये तुम्हारा प्राइज है अकेले लो। जहाँ पर गोकू कोरिन से कहता है कि तुम चीटर हो, तुम लायर हो, तुम झूठ बोलते हो, रुको मैं अभी तुमसे वो बॉटल छीनता हूँ। जहाँ पर कोरिन कहता है कि आओ आओ मुझसे ले लो। जैसे ही गोकू झपट्टा मारता है वैसे ही वो कोरिन पीछे चले जाता है। अब गोकू कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन कोरिन उसके हाथ नहीं लग रहा है। तभी वहाँ कोरिन कह देता है कि ठीक है तुम हार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर गोकू कभी इधर से कभी उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है और कोरिन उसके हाथ लग ही नहीं पा रहा है। यहाँ से वहाँ कोरिन भागते हुए जा रहा है और गोकू उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर अभी ये दोनों जंप लगा देते हैं तभी गोकू के हाथ में वो लगने ही वाला होता है, लेकिन वो जो जार है वो नीचे गिर जाता है। जब जार को वो पकड़ने फिर से गोकू भागता है तब ये कोरिन उस जार को अपनी छड़ी के अंदर उठा ले भागता है। अब गोकू उस टावर के ऊपर की कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहाँ से वो भाग के उस जार को पकड़ ना सके, लेकिन कोरियन के हाथों से वो जार गोकू नहीं ले पाता। जहाँ पर गोकू इतने ज्यादा प्रयास करता है कि गोकू पूरा थक जाता है और कह देता है कि तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। जहाँ पर कोरिन कह देता है कि हाँ ऐसे से तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ, तुम्हें अपोनेंट की एक्शन समझनी चाहिए और उसी हिसाब से तुम्हें एक्शन करनी चाहिए जिस कारण से तुम मुझे पकड़ सको। यहाँ पर गोकू कह देता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं सीख लेता हूँ। तभी इधर गोकू उसकी टेक्निक सीख रहा है और पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम देखते हैं कोरियन टावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा काले घने बादल आ चुके हैं और बिजली कड़क रही है और साथ ही साथ पानी भी बरस रहा है। यहाँ पर हम इधर देख रहे हैं कामे हाउस के बाहर, जहाँ पर बुलमा जो है वो कपड़े निकाल रही है क्योंकि बारिश में वो घी लेना हो पाए। तभी वो आवाज देती है मास्टर रोशी को कि मास्टर रोशी चलो अंदर। जहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर बाहर ही ठीक हूँ। जहाँ पर मास्टर रोशी ये कह देते हैं कि इस ओल्ड बॉडी को थोड़ा सा वर्कआउट की जरूरत है। जहाँ पर मास्टर रोशी इस बिजली को देख के ये कह रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो चल रहा है, ये मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, अभी बहुत टाइम बाद ऐसी बिजली देख रहा हूँ। इधर हम अभी टावर के अंदर देख रहे हैं जहाँ पर गोकू थक चुका है और यहाँ पर ये जो कोरिन कह रहा है कि उठो यार तुमने अभी तो कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें क्या वाटर नहीं चाहिए। जहाँ पर गोकू कहता है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, लेकिन मेरे से पहले कोई ऊपर चढ़ा था इस टावर के ऊपर और किसी ने ये पानी पिया था। जहाँ पर कोरिन कहता है कि हाँ हाँ एक आदमी आया था जो कि 300 साल पहले आया था। जहाँ पर गोकू ये सुनकर चौंक उठता है कि भाई 300 साल हो गए। जहाँ पर वो पूछ देता है कोरिन से कि तुम कितने साल के हो। जहाँ पर कोरिन कह देता है कि 800 साल से ज्यादा हो गए है, तुम ज्यादा ही गिन लो या कम गिन लो, लेकिन इतने तो हो चुके हैं। जहाँ पर गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक उठता है। जहाँ पर गोकू कहता है कि वाह तुम इतने ज्यादा ओल्ड हो। पर कोरिन कहता है तो थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर लिया करो। जहाँ कोरिन कहता है कि एक ही आदमी इस वाटर को पी चुका है जिसे तुम मास्टर। इतना कहते ही गोकू चौंक उठता है, क्या क्या मास्टर रोशी ने पिया था। इधर अभी हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि इस पूरे तूफान के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर वो कामेहामेहा कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते, बस अपनी बॉडी फुला लेते हैं, थोड़े से मसल गेन कर लेते हैं और अपनी उंगली की बदौलत एक थंडर ब्लास्ट कर देते हैं, जो कि थंडर ब्लास्ट बहुत दूर तक जाते हुए हम देख सकते हैं उस समुंदर के ऊपर, यानी कि मास्टर रोशी के पास और भी ज्यादा ताकतें हैं। जहाँ पर अभी हम टावर के अंदर देख रहे हैं जो कि बात कर रहा है गोकू से कि वो जो थोड़ा सा लिटिल हर्मेट है तुम्हें जो लगता है तुम्हें जो ट्रेनिंग देता है वही है रोशी जिसने ये पानी पिया है। क्या क्या तुम मास्टर रोशी की बात कर रहे हो। यहाँ पर गोकू कहता है कि मेरे मास्टर रोशी इस टावर के ऊपर आए थे और इसी कारण से क्या वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पर ये कोरिन कहता है कि हाँ ये सही है। यहाँ पर गोकू कहता है कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि मास्टर रोशी यहाँ पर आए हुए पहले आदमी है। तब कोरिन कहता है कि तुम यकीन करो या ना करो लेकिन वो ट्रिकी वन तो था, यानी उसको ऐसी चीजें करना पसंद था। जहाँ पर गोकू कहता है कि तुम्हारे से उसको बॉटल लेने में कितना टाइम लग गया था। जहाँ पर वो तीन उंगली दिखाता है। यहाँ पर गोकू कहता है जस्ट 3 मिनट्स। तब यहाँ पर कोरिन कहता है कि नहीं नहीं 3 साल लग गए थे उसे मेरे से बॉटल लेने में। अब हम टावर के नीचे देखते हैं ये जो ऊपर लड़की है ये ऊपर देख रही है टावर के ऊपर और थोड़ी सी रोने जैसी शक्ल इसकी बन चुकी है। तभी इधर गोकू कहता है कि 3 साल, अरे बाप रे।
जहाँ पर इन दोनों के फेस देखने को मिलते हैं। बाहर बिजली कड़क रही है, नीचे ये ऊपर नाम सी छोटी सी लड़की ऊपर देख रही है। और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है दोस्तों। दोस्तों मास्टर रोशी को 3 साल लग गए इससे बॉटल लेने में, तो गोकू को कितने साल लगेंगे या फिर गोकू जल्दी ले पाएगा, यही जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट सिर्फ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।